नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में सवाल पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइव इक्वल फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन ईच ईच आर 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट एंड ऑल आर लाइंग इन वन प्लेन इफ एंगल बिटवीन देम आर इक्वल देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी ऑप्शन है जीरो टेन न्यूटन ट्वेंटी न्यूटन या फिर टेन रूट न्यूटन बड़ा ही सिंपल सवाल है uh, इसका सवाल का आंसर तो जीरो है पर उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझाता हूँ सो पांच फोर्सेस हैं पांच फोर्सेस ऐसे अप्लाई हो रहे हैं कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में एक ऐसे और एक ऐसे और इन पांचों फोर्सेस के बीच में आपस में एंगल बराबर है हालांकि सो एंगल बराबर है इसी को दूसरा ड्रॉ करना हुआ आप कह सकते हैं एक फोर्स ऐसे दो तीन चार और पाँच इन सब के बीच में एंगल बराबर है सो so, अगर ऐसा केस है तो आपका नेट रिजल्टेंट फोर जीरो होएगा न सेम केस है अगर यहाँ तो पाँच फोर्सेज थे अगर यहाँ पे एन फोर्सेज या फिर हंड्रेड फोर्सेज कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि हंड्रेड फोर्सेज आर बीइंग अप्लाइड या फिफ्टी फोर्सेज या फाइव फोर्सेज उन सब के बीच में अगर एंगल बराबर होएगा तो नेट रिजल्टेंट हमेशा अपना ज़ीरो होता है उसके पीछे एक बार रीज़न देख लेते हैं सो से फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल लॉ में हमने पढ़ा है उसी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके फोर्सेज लेट से एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर और एक फोर्स यहाँ अप्लाई हुआ है तीन फोर्सेज हैं तो इन तीन फोर्सेज के बीच में जो आपका एंगल थीटा है थीटा विल बी इक्वल टू टू पाई, आ, विच इज़ टोटल एंगल थ्री सिक्सटी का एंगल डिवाइडेड बाय थ्री सो ये आपका एक एंगल हो जाएगा विच इज़ वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी यही अगर आपके चार फोर्सेज हुए तो ये वाले एंगल हो जाएंगे आपके ये एक एंगल जो हो जाएगा सो दिस थीटा विल बी इक्वल टू टू पाई बाई फोर विच इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो अगर ऐसा केस है कि जहाँ पे आपके फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है और इनके बीच में एंगल भी बराबर है उस केस में आपके सारे फोर्सेस का सम जीरो होएगा बिकॉज दे विल कैंसल ईच अदर आउट उनके जब आप वर्टिकल हॉर्जोनटल कंपोनेंट लेंगे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में सो दे विल कैंसल ईच अदर आउट यहीं पे कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि मान लीजिए चार फोर्जिज ऐसे अप्लाई हो रहे थे जिनका नेट रिजल्टेंट ज़ीरो था हमने एक फोर्स हटा दिया अब इनका नेट रिजल्टेंट क्या होएगा क्योंकि इस फोर्स के बिना हटाए बिना सबका रिजल्टेंट ज़ीरो था तो अब जिस फोर्स को हमने हटाया है नेट रिजल्टेंट बाकी फोर्स का उसके बराबर ही होगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट स्पेशली इलेक्ट्रोसिटी के क्वेश्चन में ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं आई होप दिस हैज हेल्प्ड हाँ